समाचार आप देख रहे हैं फैक्ट्री। आज हम मौजूद है कांदिवली डिस्ट्रिक्ट विलेज में, जहाँ पे नगर निगम बोल द्वारा बात कर रहे हैं इलेक्शन जो आज होनी है सभी जगह पूरे महाराष्ट्र में। तो यहाँ से जो यहाँ के उम्मीदवार हैं तो उनको कितने वोट मिले आ रहे हैं इनके पक्ष से, और इनके पार्टी या कितने प्रचार प्रसार के बाद आज जो रिजल्ट आज एग्जाम जो होने वाले हैं उस पर कितने वोट आपके उम्मीदवार को मिलेंगे? कितने वोट्स मिलेंगे ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन पूरे बम्बई में एक नंबर की ये सीट आएगी ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। लेकिन जिसके साथ आप भाजपा के साथ आप मर्ज हो चुके हैं, उन्होंने तो लोकसभा में लोकसभा चुनाव से पहले क्या दिए थे तीन सौ के ऊपर? हमने मर्ज कहाँ पे बोला? नहीं मर्ज नहीं है, अलायंस है। अलायंस और मर्ज ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम अलायंस में हैं और युति का धर्म हम लोग निभा रहे हैं, और जो पक्ष का आदेश होता है वो पक्ष का आदेश हमारे आगे कुछ नहीं, पक्ष का आदेश मतलब फाइनल आदेश होता है। तो उन्होंने पक्ष का जो भी आदेश है हमारी अलायंस है, तो हम लोग युति में काम कर रहे हैं। और युति में जब यहाँ पे अलायंस नहीं थी 2014 में, तब आमदार प्रकाश दादा सुर्वे यहाँ पे भारी बहुमत से मतलब 21,000 लीड से उनको 65,000 वोट मिले थे, और सेकंड हाईएस्ट को 44,000 मिले थे। तो वहाँ पे भी जब अलायंस नहीं थी तब हम लोग शिवसेना यहाँ पे जोर लगा के भारी मतों से यहाँ पे चुन के आई, तो अभी तो अलायंस है, युति है, और युति में कोई भीती नहीं होगी, युति में तो चुन के ही आएंगे। लेकिन अभी तो एनसीपी कांग्रेस जैसे बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी से उनके भी उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं, देखो वो अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, हमें वो क्या लड़ रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं हमें नहीं पता। हमें बताए कि हम लोग जो खड़े हैं वो जीतने के लिए खड़े हैं। तो ये जो प्रचार रैली आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे, लोग प्रचार रैली देखे वोट देंगे या फिर काम को देखे वोट देंगे? लोगों प्रचार रैली से वोट मिलते हैं ये अलग चीज़ है। कुछ लोग होते हैं 5-10% जो जमावड़ा देख के, माहौल देख के, हवा का रुख देख के वोट करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो आदमी के ऊपर, उसके कामों के ऊपर, 5 साल उसने क्या किया उसका लेखा जोखा होता है। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा काम ही बोलता है, और आमदार प्रकाश दादा सुर्वे जिन्होंने 5 साल में जितनी पूरा मागाटाने विधानसभा में काम किया है मुझे नहीं लगता कोई आमदार ने किया होगा। उसके अलावा धार्मिक रूप में आप देखोगे तो काशी विश्वेश्वर यात्रा हो, दहिंडी का कार्यक्रम हो, फिर गणपति का हो, ऐसे अलग अलग, अभी ये नहीं हुआ तो घर घर में शक्कर बांटने का हो, नोटबुक हो, ऐसे हर चीज़ है। आरोग्य के बारे में बोला जाए तो अभी हाल ही में उन्होंने आदित्य साहब को बुला के एक 40 बेड का डायलिसिस सेंटर यहाँ पे ओपन, तो वो ऊपर जाने से रोक के अगर ठीक ठाक बना के लाते हैं, कोई भी पैसा खर्चा न करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति को आमदार बनने से कोई रोक सकता। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफ़ी सरकारी स्कूल में काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा फर्नीचर, अच्छे टीचर्स के साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र में आप क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने अभी 15-20 दिन मतलब आचार संहिता लगने के 2-4 दिन पहले मेरे यहाँ पे 30 साल पुराना महानगर पालिका का एक स्कूल है मनपा हिंदी और मराठी विद्यालय, लगभग 630 बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, उसका रेनोवेशन, टोटली रेनोवेशन, लगभग 3 करोड़ का फंड मैंने वहाँ पे यूटिलाइज किया, और काम आज भी चालू है। आज आप देखोगे तो वहाँ पे सब है ना मतदान केंद्र लगे हैं, लेकिन वहाँ पे टाइल्स रेनोवेशन का सब काम चल रहा है, तो वहाँ पे मैंने किया है। एमपीएस स्कूल मैंने 2017 में जब माधुरी दाई चुन के आई तो 2017 में मैंने एमपीएस स्कूल, प्रिंसिपल प्राइमरी स्कूल, जो फ्री एडमिशन और नो स्कूल, वो ओपन किया, वहाँ पे भी 350 के लगभग बच्चे हैं। तो ये स्कूल का डेवलपमेंट हमारा वो 3 माले की है और ये ग्राउंड फ्लोर की, तो डेवलपमेंट जहाँ महानगर पालिका से फंड से होना चाहिए या फिर महानगर पालिका जहाँ जहाँ हम लोग फंड दे सकते हैं डेवलपमेंट करें। देखो कैसा है कि अभी ये एमपीएससी हम लोग स्टार्ट किए डायरेक्टली सीबीएसई और 10th या फिर है ना 12th के यहाँ के आने के लिए जूनियर सीनियर नर्सरी 1, 2, 3 और उसके बाद जब बढ़ेगी क्लास में उसके बाद फिर 7th स्टैंडर्ड से 8 और 8 से 9 और सीबीएसई और आईबी बोर्ड अभी तो उनका ट्रेड चल रहा है। तो हमने ये सीबीएसई का प्रस्ताव रखा है महानगर पालिका के पास कि अगर सीबीएसई और अपना एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ये भी उसके साथ लगा दिया महानगर पालिका भी आपका है तो ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए।
पॉलिसी होता है, वक्त लगने की बात नहीं है। वहाँ पे 227 नगर सेवक पॉलिसी अगर बननी है तो सभागृह में 227 नगर सेवक की सहमति होनी चाहिए। 525 अगर नगर सेवक बोलते कि ये हमें चाहिए तो 550 नगर सेवक ऐसे भी है कि हमको आईबी बोर्ड भी चाहिए। तो ये पॉलिसी अगर ठहरा दी जाए, हमने अपना प्रपोजल रखा, ये प्रपोजल सैंक्शन करना और ये करना सभागृह नेता, स्टैंडिंग कमेटी, हमारे मेयर साहब और कमिश्नर इनके हाथों में होता है। हर एक का अलग अलग व्यू हो सकता है। तो हमने अपना व्यू रखा है कि आने वाले 5-10 साल के बाद स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ये बढ़ना चाहिए। तो CBSE, IB बोर्ड और नए नए क्या क्या बोर्ड आए, हम तो म्यूनसिपल स्कूल में पढ़े हैं लेकिन अभी इतने सारे बोर्ड्स आए, तो ज़माने को देखते हुए या फिर हमारी अभी आने वाली पीढ़ी देखते हुए, कंप्यूटर जो पीढ़ी है उसको देखते हुए CBSE, IB बोर्ड ये सब आनी चाहिए। इस बार मंत्री कौन बनेगा? पता नहीं, लेकिन इस बार प्रकाश सूर्य मंत्री बनेंगे। प्रकाश दादा आगे बढ़ो।